हेलो सीएससी व्यूअर, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम आशीष गुप्ता है और मेरे चैनल सीएससी सेंटर के पे आपका स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे कि सीएससी की तरह ये जो नया पोर्टल लॉन्च किया गया है ना, डिजिटल ग्रामीण सेवा, उसमें का आईडी हम कैसे ले सकते हैं और उसमें कौन कौन सी सुविधाएँ, कौन कौन सी सर्विसेज उपलब्ध हैं, आप उस आईडी को लेकर कितने अच्छा अर्निंग कर सकते हैं और आप उस आईडी के द्वारा क्या क्या काम कर सकते हैं, उस आईडी के बारे में आज हम लोग पूरी डिटेल जानकारी लेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को दबा ले ताकि जब भी हम कोई भी नया वीडियो लेकर आए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने गूगल लैपटॉप या मोबाइल में किस में गूगल क्रोम खोलना, इसमें सर्च करूंगा डिजिटल ग्रामीण सेवा। डिजिटल ग्रामीण सेवा जैसे ही सर्च करूंगा तो आपके सामने इस तरह का एक इसका ऑफिशियल साइट खुल के आ जाएगा। आप इसमें देख सकते हैं कि कौन कौन सा सर्विस, बैंकिंग सर्विस है, B2C सर्विसेज है, G2C सर्विसेज है, GST सुविधा के ट्रेवल वाइट लेवल बहुत सारे सर्विसेज इसमें उपलब्ध कराए जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने सारे सर्विसेज यहाँ पे उपलब्ध कराए गए हैं। खुद को आत्मनिर्भर और देश को डिजिटल बनाए, इसका ये मिशन है डिजिटल ग्रामीण सेवा पोर्टल का। आप इसमें सुविधाएं देख सकते हैं, कौन कौन से सर्विस है, APS है, मनी ट्रांसफर है, कैश डिपॉजिट, मोबाइल रिचार्ज, DTH रिचार्ज, गैस बिल पे, टेलीफोन बिल पे, ट्रेवल बुकिंग, पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, टाकीची, ATM, मिनी ATM, प्रीपेड कार्ड, TDS रिटर्न, टैक्स, ये जो है दोनों टैक्स रिटर्न, GST रिटर्न, क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, ट्रेन बुकिंग कर सकते हैं, बस बुक कर सकते हैं, होटल बुक कर सकते हैं, फास्टैग रिचार्ज कर सकते हैं, लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप रिटेलिंग म्यूनसिपल बिल्डिंग खरीद सकते हैं के लिए इसका पेमेंट कर सकते हैं, मेट्रो कार्ड रिचार्ज कर सकते हैं, फ्लाइट बुक कर सकते हैं, बहुत सारी इसमें सुविधाएं हैं। अकाउंट ओपनिंग, CSP एंड किस्को बुकिंग, लोन रीपेमेंट, इंश्योरेंस, LIC, GST रजिस्ट्रेशन, फाइल रजिस्ट्रेशन, स्टेट रजिस्ट्रेशन, इलेक्ट्रिसिटी बिल, और भी कई तरह के इसमें सर्विसेज दिए गए हैं। यहाँ पर रिटेलर आईडी है, डिस्ट्रीब्यूटर आईडी है, मास्टर आईडी है, बहुत सारे इसमें आईडी उपलब्ध कराए जाते हैं। सुपर डिस्ट्रीब्यूटर, स्टेट हेड, वाइट रिंग, बहुत से सर्विसेज हैं जो आप लेकर इस आईडी को काम करके अच्छा खासा एक अर्न कर सकते हैं। तो चलिए हम इस आईडी को कैसे लेंगे, उसके लिए सब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे दिया है ज्वाइन एज ए रिटेलर। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक पेज खुल के आ जाएगा। उसके बाद आपको सामने इसमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिया, आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म पहले भर लेना, अपने दुकान का नाम यहाँ पे हम भर देते हैं। उसके बाद ओनर का जो भी नाम हो उसको हम यहाँ पे भरेंगे, मोबाइल नंबर फिल कर देंगे, ईमेल आईडी हम अपना डाल देंगे, स्टेट आपको सिलेक्ट डाल लेंगे, यहाँ पे सिटी कौन सा है आप यहाँ पे अपना डाल लेंगे, आधार नंबर डालेंगे, उसके बाद आपको पैन नंबर डालना है, शॉप का एड्रेस जो भी हो, एड्रेस डालने के बाद आपको यहाँ पे आपको कौन सा आईडी लेना है, जोनल हेड, मास्टर डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूटर या रिटेल, तो हम यहाँ पे रिटेलर के लिए रहने देंगे, रिटेलर आईडी क्लिक अप्लाई करना चाहते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे, सबमिट पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो कुछ सेकंड बाद आपके सामने इसका पेमेंट पेज आ जाएगा। अब आप इस पे पेमेंट मोड सिलेक्ट कर लेंगे कि आपका कौन सा, किस मोड में आप पेमेंट करना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, प्रीपेड पेमेंट, UPI, जिससे भी आप पेमेंट करना चाहते हैं उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। देखिए ये जो आईडी है आपको मात्र 500 रुपए में दिया है, जो कि सीएससी के लिए आपको पहले टेक सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, उसके बाद ही उसका आप अप्लाई कर सकते हैं। उसमें भी आपको टेक सर्टिफिकेट के लिए 1500 रुपए देने होते हैं और ये जो आईडी है आप मात्र 500 रुपए में सीएससी से भी कम रुपए देकर
आपको इस आईडी को प्राप्त कर सकते हैं और इस आईडी में बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो आपको पहले इसका पेमेंट प्रोसीड करेंगे, प्रोसीड के बाद आपको पेमेंट कर देना है। देखिए हम यहाँ पे डेबिट यूपीआई सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपको अपना यूपीआई नंबर डालना है, उसके बाद आपको पेमेंट कर देना है। जैसे ही आप पेमेंट कर देंगे तो आपको ने जो भी डाटा डाला होगा, जो भी इंफॉर्मेशन डाला होगा, उसका वेरीफाई किया जाएगा, जांच किया जाएगा और लमसम एक मंथ के अंदर आपको इसका आईडी और पासवर्ड आपके मोबाइल और ईमेल पे भेज दिया जाएगा। उसके बाद जैसे ही आपका आईडी और पासवर्ड आ जाता है तो आपको इसका अकाउंट पहले लॉगिन करना है, उसके बाद आप इसमें काम करेंगे। तो चलिए हम आपको आगे की वीडियो में इसका डिटेल में बता देंगे कि आप का जो यूजर आईडी पासवर्ड आ जाने के बाद आप उसमें कैसे काम करके अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। सो थैंक यू। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा लें ताकि जब भी हम कोई भी नई वीडियो लेकर आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको ये इस पोर्टल के बारे में पहले से जानकारी थी या नहीं, और भी अगर आप डिटेल जानना चाहते हैं इस पोर्टल के बारे में तो हम कमेंट करके जरूर बताएं, तो हम आपके लिए और भी डिटेल में पोर्टल के बारे में बतला देंगे वीडियो के माध्यम से। सो थैंक यू।